चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस वीडियो को। और कल की वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि फ्रेट ट्रेन्स यानी कि मालगाड़ियां जो होती हैं उनका टाइम टेबल किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आई बटन में दे रहा हूँ आज पक्का है, और जाके देख लो। उसको देखने के बाद इसे कंटिन्यू करोगे, ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आपने वो नहीं देखी है। तो वो वीडियो देखने के बाद आपके मन में पहले कुछ डाउट आ सकते हैं, पहले मैं उन डाउट्स को क्लियर करता हूँ और उसके बाद इस वीडियो के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं जो मैंने उसमें वादा किया था बताने के लिए। तो दोस्तों वहाँ मैंने आपसे बात करी थी मेल ब्लॉक्स को लेकर, क्योंकि मेल ब्लॉक्स के बीच में जो फ्री टाइम होता है उस बीच रेलवे जो है फ्रेट ऑपरेशंस करता है, मतलब फ्रेट अपनी मालगाड़ियाँ चलाता है। कुछ डिविजन्स में ऐसा नहीं होता है, कुछ डिविजन्स में क्या होता है, वहाँ पे फ्रेट ट्रेन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब वहाँ पे मेजॉरिटी फ्रेट ऑपरेशन होता है, पैसेंजर ट्रेन्स को थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसा मैंने पर्सनली कहाँ फील करा है, साउथ सेंट्रल रेलवे SCR के अंदर। SCR में आप घुसोगे वहाँ पे आपको फ्रेट ज़्यादा दिखेंगी, तो वहाँ पे फ्रेट ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे मैंने नोटिस करा है कि कितनी बार पैसेंजर ट्रेन इवन द राजधानी को स्लो डाउन होना पड़ता है फ्रेट ट्रेन्स को पास ऑन करने के लिए, या कभी कभी उनको लूप से निकाल दिया जाता है क्योंकि मेन लाइन पे फ्रेट खड़ी हुई होती है। अच्छा, इस पूरे डिस्कशन के अंदर ना, इससे पहले वाली वीडियो में भी और इस वाली में भी, आप DFC को कहीं से कहीं तक लिंक मत करना क्योंकि मैं उससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं कर रहा। DFC एक प्राइवेट फर्म है, एक प्राइवेट फ्रेट ऑपरेशन है, ठीक है। बट फिर भी कुछ जो डिविजन्स उसमें ये देखा गया है, कुछ जोन्स में ये देखा गया है कि हमको फ्रेट ट्रेनों के लिए ना अलग से लाइंस मिलती हैं, सेपरेट लाइंस। अब ऐसा कोई कसम नहीं खा रहा कि उसमें मालगाड़ी ही चलेगी, उस पर पैसेंजर ट्रेन भी चलती हैं, लेकिन मैक्सिमम मालगाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। सो दैट क्योंकि वहाँ पे फ्रेट ऑपरेशन ज़्यादा है और पैसेंजर ऑपरेशन भी ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे मालगाड़ियों के लिए लाइन बना रखे ताकि दोनों को दिक्कत ना आए, हम दोनों को कंटिन्यूअसली चला सकें। तो मान लीजिए कोई ट्रेन्स जो कि साउथ की साइड से आ रही हैं, वेस्ट की साइड से आ रही हैं, मतलब चेन्नई वगैरह से आ रही है, मुंबई साइड से आ रही है, ठीक है, या सेंटर की साइड से आ रही है और उनको दिल्ली की तरफ आना है, ठीक है, तो वो सारी मालगाड़ियाँ जो हैं TKD यार्ड यानी कि जो तुगलकाबाद का फ्रेट यार्ड है, बहुत बड़ा फ्रेट यार्ड है, वहाँ पे डीकमीशन हो जाएगी, ठीक है, आएगी उसकी अनलोडिंग वगैरह का सारा काम वहीं पे हो जाएगा। तो दिल्ली से काफ़ी पहले TKD यार्ड में सब निपटा दिया जाता है। इसके बावजूद मान लीजिए कोई ट्रेन पीछे कहीं से आ रही है या वहीं से बन के चल रही है और उसको इधर जाना है, जयपुर, जोधपुर, मतलब राजस्थान की तरफ को जाना है, या फिर उसको जाना है नॉर्थ में और ऊपर की ओर जाना है, तो ऐसे केस में अब यहाँ पे कंपलसरी हो गया दिल्ली को टच करके जाना। तो ऐसे केस में दिल्ली निज़ामुद्दीन के पास से एक लाइन बनाई गई है जिसको हम लोग रिंग रेलवे या दिल्ली का बाईपास, या टेक्निकली आई एम नॉट श्योर, उसको गुड्स अवॉइडिंग लाइन भी कहते हैं, गैल, गुड्स अवॉइडिंग लाइन, मैं इस वर्ड को लेकर श्योर नहीं हूँ, ठीक है। सो वहाँ पे करा क्या जाता है कि जितनी भी मालगाड़ी आती है निज़ामुद्दीन की तरफ से डाइवर्जन दे देते हैं टूवर्ड्स दिल्ली सफदरजंग और वो आगे जाके पटेल नगर में ख़त्म हो जाता है, पटेल नगर या कीर्ति नगर में जाके मिल जाता है वापसी लाइन टूवर्ड्स जो गुड़गांव की तरफ जा रही है, ठीक है। अच्छा, वैसे हमें दिल्ली में ट्रैफिक देखने को नहीं मिलता फ्रेट्स का, बट मेरी मानो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो कभी दिल्ली सफदरजंग जाके खड़े हो जाओ, एक घंटे में कम से कम 7 से 8 फ्रेट ट्रेन्स आपको दिख जाएंगी वहाँ पे। वहाँ दिन भर सिर्फ मालगाड़ियाँ पास होती हैं और कुछ भी नहीं होता, दिल्ली की सारी मालगाड़ी वहाँ से जाती है। अब दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बाईपास लाइंस बता रहा हूँ ये सिर्फ दिल्ली में ही अवेलेबल है, ये बहुत सारी लोकेशंस पे है। जिन जिन जगहों पे जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उनका क्राउड बहुत ज़्यादा है, स्टेशंस के ऊपर फ्रेट ट्रेन्स लाना एक ओवरबर्डन हो सकता है, हर उन जगहों पे ऐसी अवॉइडिंग लाइंस या फिर ऐसे बाईपास बनाए जाते हैं ताकि उस जगह को बिना छुए या बिना उसको परेशान करें हम ट्रेन्स की मूवमेंट को उससे पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर समझ आया, अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिस शुभम कुमार सैनी का फ्रोडे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।